गुड आफ्टरनून स्टूडेंट, मैं अवनेश सिंह तोमर और आज हम पढ़ने वाले हैं जो हमने एक मोशन ऑफ इक्वेशन पढ़ी थी भाई, यानी कि गति की समीकरण पढ़ी थी, उस पर आधारित न्यूमेरिकल। तो यहां से पूछे जाते हैं भाई, मैंने आज ये इस वीडियो में मुख्य रूप से जो बेसिक न्यूमेरिकल हैं वो रखे हैं। इसके सेकेंड पार्ट में आपको थोड़े से टफ और जो पूछे जा चुके हैं उन न्यूमेरिकल को मैं ऐड करूंगा। तो देखते हैं, देखो इन न्यूमेरिकल में ध्यान से पढ़ना बहुत, अगर आपने पिछला वीडियो नहीं पढ़ा है तो पहले पिछले वीडियो को पढ़ें भाई, तब इन न्यूमेरिकल को करें तो ज्यादा आसान आपको लगेंगे। तो जो गति की समीकरण होती हैं उस पर बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल मैंने ये लिखे हैं। आप जानते हैं भाई, अगर पिछली वीडियो आप पढ़ चुके हैं तो आपको पता है कि गति की समीकरण कितनी होती है। तीन समीकरण होती है। पहली समीकरण हमने पढ़ी थी बी बराबर U प्लस AT। देखो आपको इसमें शायद कुछ लिखा हुआ नहीं चमक रहा हो किनारे पर, तो मैं हर न्यूमेरिकल बोलूंगा पूरा, तो आप अगर एक आध शब्द नहीं चमक रहा है तो उसे नोट कर लेना भाई, क्लियर है। और आप इसकी क्वालिटी बढ़ाकर थोड़ा सा देखना भाई, क्योंकि थोड़ा सा छोटा लिखा है, अगर बड़ा लिखता तो गिने चुने ही न्यूमेरिकल आ पाते, क्लियर है। देखते हैं, पहली गति की समीकरण होती है B बराबर U प्लस AT। आप जानते हैं U प्रारंभिक वेग इनिशियल वेलोसिटी होता है, B फाइनल वेलोसिटी यानी कि अंतिम वेग होता है, A एक्सेलरेशन और T क्या होता है टाइम। दूसरी समीकरण हमने पढ़ी थी S बराबर UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। S बराबर UT प्लस हाफ AT स्क्वायर पढ़ी थी। और अगर जब कभी भी आपको डिस्टेंस निकालनी होगी तो ज्यादातर इसी इक्वेशन का हम यूज किया करेंगे। और तीसरी हमने पढ़ी थी बी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस। तो कभी कभी इसका भी यूज कर लेते हैं हम, जब क्या निकालनी हो हमें डिस्टेंस, लेकिन उसके लिए इनिशियल और फाइनल और आपका ए होना जरूरी है। अगर टी हो तो हम इसका प्रयोग करते हैं भाई, क्लियर है। तो देखते हैं, देखो कैसे इनका यूज होगा, तो बहुत आसान है। देखो ध्यान से देखते रहना भाई, मैं न्यूमेरिकल पढ़ूंगा और कैसे सॉल्व आसानी से करना है वो भी हम देखेंगे। तो ध्यान से देखें, कोई वस्तु ब्राह्म अवस्था से गति प्रारंभ करके, यानी कि प्रारंभ में वो क्या है, रेस्ट में है, ब्राह्म अवस्था में, तो आपको पहले से ही गिवन है भाई, गिवन मतलब पहले से ही दिया है कि रेस्ट यानी कि यू बराबर क्या है जीरो, प्रारंभिक वेग क्या है जीरो। गति प्रारंभ करके एक साइकिल सवार क्या कर रहा है 20 सेकंड में, यानी कि टाइम क्या दिया है आपको 20 सेकंड, क्या दिया है भाई टाइम 20 सेकंड का दिया है, 4 मीटर प्रति सेकंड का वेग प्राप्त करता है, यानी कि बी कितना दिया है अंतिम वेग 4 मीटर प्रति सेकंड। तो तीन बातें समझ में आई, जो भी गिवन है हमें हमने वो लिख लिया भाई। अब आपसे पूछ रहा है ए, ए का मतलब है जो एक्सेलरेशन होगा त्वरण वो क्या होगा। तो देखो एक तो डायरेक्टिव फॉर्मूला है हमारा, हमारे पास दोनों वेग हैं, सही है, तो अंतिम माइनस प्रारंभिक अपॉन टी, तो हमने यही तो पढ़ा था भाई, ए क्या होता है वेग परिवर्तन की दर, यानी कि अंतिम बी माइनस यू अपॉन टी। तो इसमें आप वैल्यू पुट कर सकते हैं, कुछ करना ही नहीं है आपको। तो बी कितना है हमारे पास 4 है, U कितना है जीरो, और T कितना है भाई 20 सेकंड, कितना है 20 सेकंड, तो ये कितना आ जाएगा 2, यानी कि 0.2 और A क्या है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर त्वरण है भाई, तो किस में लिखेंगे मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर में, तो क्लियर है। तो आप ऐसे डायरेक्ट कर सकते हैं, और ये किसका रूप होता है, ये पहली गति के समीकरण का ही रूप होता है। चाहे तो आप इसे दूसरी तरीके से भी लिख सकते हैं, देखो कैसे लिख सकते हैं भाई, हमने सॉरी मुख्य रूप से B बराबर क्या होता है B बराबर U प्लस AT, B बराबर U प्लस AT होता है। तो देखो B की वैल्यू रख सकते हैं कितनी है 4 मीटर प्रति सेकंड, ये रफ हो गया 4 मीटर प्रति सेकंड है, तो यहां पर वैल्यू पुट कर सकते हो आप, b की वैल्यू कितनी है 4 इज इक्वल टू u कितना है 0 है, u कितना है भाई 0 है, प्लस a आपको निकालना है, t का मान कितना है 20 सेकंड, कितना है 20 सेकंड। तो देखो ये तो कैंसिल हो ही गया,
दो से ऐसे कैंसिल कर दोगे, दो और दस जब बटे में आएगा तो 0.2 आएगा भाई, कितना आएगा 0.2 मीटर प्रति सेकंड। तो ये हो गया आपका मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर यानी कि त्वरण। तो आप समझ पा रहे हैं भाई, दोनों में से किसी भी तरह से कर लो, बात वही है। तो पहला न्यूमेरिकल आपको समझ में आया और दूसरा वाला हम करते हैं। देखो आप ये पहला वाला मैं रफ कर देता हूं, जगह थोड़ी सी ज्यादा हो जाएगी भाई, देखेंगे। देखो दूसरे न्यूमेरिकल में क्या है, पढ़ो ध्यान से, पहले वीडियो रोककर आप अपने आप करके देखना भाई। एक रेलगाड़ी है 20 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चल रही है, यानी कि गतिमान है। क्या गिवन है आपको इस सवाल में, इस सवाल में आपको गिवन है यू, यानी कि प्रारंभिक वेग कितना है 20 मीटर प्रति सेकंड, कितना है 20 मीटर प्रति सेकंड चाल से चल रही है। क्लियर है भाई। इंजन बंद ब्रेक करके बंद करके ब्रेक लगाने पर यह है 10 सेकंड में रुक जाती है, यानी कि टाइम कितना दिया है आपको, 10 सेकंड का टाइम दिया है भाई, 10 सेकंड का टाइम दिया है। तो ब्रेक लगाने से उत्पन्न मंदन कितना होगा, यानी कि ए का मान कितना होगा। और मैंने आपको समझाया है कि जब कभी भी कोई बस गाड़ी या मोटर बाइक गति में होगी और अचानक से ब्रेक लगेगा तो वेग कम होगा, यानी कि वेग कम होगा तो मंदन होगा। क्लियर है भाई। तो हम फिर उसी सूत्र से चल सकते हैं, ए बराबर क्या होता है बी माइनस यानी कि अंतिम माइनस प्रारंभिक अपॉन टी। अब डायरेक्ट लिख रहे हैं भाई, इससे आसान हो जाएगा, बहुत ज्यादा लिखना नहीं पड़ेगा हमें। तो देखो बी का मान क्या है हमारे पास, जीरो, सही है, क्योंकि अंत में ब्रेक लगाकर वो ब्राह्म अवस्था में आ रही है भाई, तो बी का मान कितना है जीरो। क्लियर है, आप देख भी लें ब्रेक लगाने पर 10 सेकंड में रुक जाती है, जब रुक जाती है तो अंतिम वेग क्या हो गया बी जीरो हो गया भाई। तो वही हमने लगाया बी जीरो माइनस यू कितना है 20 सेकंड अपॉन टी कितना है 10, तो 2 से 2 कट, 0 से 0 कट जाएगा, कितना बचा माइनस के 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। और माइनस क्या दिखा रहा है कि समय के साथ साथ वेग घट रहा है, यानी कि ये क्या है मंदन। अरे माइनस का चिन्ह क्या दिखा रहा है कि ये क्या है मंदन है। तो दूसरा न्यूमेरिकल आपको क्लियर समझ में आया होगा भाई। अब देखो तीसरे पर चलते हैं, ध्यान से करना इन न्यूमेरिकल को भाई। तीसरे न्यूमेरिकल में आपको क्या दिया है, पढ़ो जरा ध्यान से, हम पढ़ते हैं भाई। 10 सेकंड में टाइम आपको पहले ही दे दिया, आप लिख सकते हैं गिवन दैट टाइम कितना है 10 सेकंड। एक कार का वेग 36 किलोमीटर प्रति घंटे से बढ़कर 72 किलोमीटर प्रति घंटे हो जाता है, तो यहाँ पर थोड़ा सा चेंज है भाई, समय सेकंड में दिया है और 36 किलोमीटर प्रति घंटे 4 किलोमीटर प्रति घंटे में पहली और अंतिम दोनों दे रखी है, यू भी आपको दे रखा है 36 किलोमीटर प्रति घंटे, सही है, और बी भी आपको दे रखा है 72 किलोमीटर पर आवर। तीनों चीजें आपको दी हैं, आपसे क्या पूछा है उसका एक्सेलरेशन कितना होगा यानी कि त्वरण। तो आप वैसे भी समझ रहे हैं 36 से 72 हो रहा है, बढ़ रहा है भी, दो गुना हो रहा है, तो आप देख सकते हैं देखो घटेगा नहीं यानी कि मंदन नहीं होगा। तो हम डायरेक्ट चलते हैं, देखो क्या होता है भाई, आप बता सकते हैं कि बी बराबर यू प्लस ए टी, बी बराबर यू प्लस ए टी होता है, बी का मान कितना है आपके पास 72, 72, यू कितना है 36 प्लस ए का मान हमें चाहिए, टी कितना है हमारे पास 10 सेकंड, कितना है 10 सेकंड, तो ये इधर जाएगा 72 में से 36 गए, 36 बचे 36, तो ये बचे 36 इंटू ए इंटू 10। अब जरा ध्यान दो, ये किलोमीटर प्रति घंटे है, ये सेकंड, क्या इक्वेशन सॉल्व कर सकते हो आप, नहीं, जब तक इसे मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट नहीं करोगे। और आप जानते हैं कि मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, सही है, ये आप मैथ में पढ़ चुके होंगे, कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ता है 5/18 से, यानी कि 5/18, तो 18 × 36 और 5 × 10 यानी कि ए बराबर कितना आ गया 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो अब तो सेकंड में ही हो गया मीटर प्रति सेकंड में, तो इसीलिए लिखा हमने मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो ये न्यूमेरिकल आपको क्लियर हुआ होगा भाई। अगला देखते हैं चौथे नंबर का, देखो चौथे नंबर का न्यूमेरिकल क्या कहता है हमसे, बहुत बेसिक है, ज्यादा टफ नहीं है ये, अगले वीडियो में थोड़े से टफ भी करेंगे हम,
देखो एक कार ब्राह्म अवस्था से चलकर, तो यू कितना है हमारे पास, जीरो, चलकर 10 सेकंड में 60 किलोमीटर प्रति घंटे का वेग प्राप्त कर लेती है, यानी कि टाइम कितना है 10 सेकंड। क्लियर है भाई, 60 किलोमीटर प्रति घंटे का वेग प्राप्त कर लेती है, यानी कि बी कितना है 60 किलोमीटर प्रति घंटे, उसका त्वरण ज्ञात करना है आपको, तो ए कितना होगा। क्लियर है भाई, तो देखते हैं, देखो बी बराबर यू प्लस ए टी, यही पढ़ते हुए आ रहे हैं हम। बी का मान कितना है 60, यू कितना है 0, ए कितना है, तो ए हमें निकालना है, टी हमें पता है, तो समय दिया है ये और हमसे त्वरण पूछा है भाई, और ये किलोमीटर प्रति घंटे में दिया है, तो इसे फिर से किस में बदल लें, हम इसे 5/18 से डिवाइड कर दें। क्लियर है, तो देखो 0 से तो 0 कट गया, सही है, ये तो कट कैंसिल हो जाएगा, 0 है, 6 * 3 = 18, यानी कि ए बराबर 5/5/3, या फिर इसी को लिख सकते हैं आप 1/2 m/s² ये होगा आपका आंसर। क्लियर है भाई, ये आंसर होगा आपका। इसके बाद देखो पांचवें सवाल को देखते हैं, जरा ध्यान से पढ़ो पांचवा सवाल क्या है भाई। पांचवा सवाल ये कह रहे हैं कि एक कार 5 m/s² की दर से त्वरित है, यानी कि वेग कितना है, सॉरी त्वरण कितना है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है, तो ए कितना है भाई 5 m/s². क्लियर है, 2 सेकंड में इसके वेग में वृद्धि, इसके वेग में वृद्धि, यानी कि टी कितना दिया है 2 सेकंड, और हमसे वेग में वृद्धि, यानी कि प्रारंभ से अंतिम कितना ज्यादा हो जाएगा, तो पहले ये रेस्ट में होगी क्योंकि इन्होंने पहले बताया ही नहीं हमें किस वेग से चल रही है, तो हम ये मानकर चलते हैं पहले किस में है, ये आपका रेस्ट में है 0, और बाद में इसका कितना हो जाएगा हम देख लेंगे, अंतर हमें पता चल जाएगा भाई। 0 से बी जितना अधिक होगा, बी जितना होगा उतना ही तो अधिक होगा। चलो मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूं, देखेंगे, देखो बी बराबर यू प्लस ए टी, बी बराबर यू प्लस ए टी, बी का मान कितना है देखेंगे, देखो बी हमें फाइंड आउट करना है भाई, यू कितना है 0, और ए का मान कितना है 5, ए का मान कितना है 5, और टी कितना है 2, तो कितना हो गया 5 × 2 = 10, 10 m/s। अब आप खुद नहीं देख सकते कि कितना बड़ा, पहले 0 था, अब कितना है 10, यानी कि 10 m/s ही तो बड़ा होगा। अरे समझ में आ रहा है ये, अगला देखेंगे, देखो छठवां क्या कह रहा है ये हमसे कह रहे हैं भाई, एक कार ब्राह्म अवस्था से चलकर, एक कार ब्राह्म अवस्था से चलकर, यानी कि u बराबर 0, कितने 0.05 घंटे में, यानी कि समय आप कितना है 0.05 आवर, कितना है भाई 0.05 आवर, 180 m/s का वेग प्राप्त कर लेती है, यानी कि पहले इतना था अभी कितना हो गया 180 m/s का वेग प्राप्त कर लेती है, तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, ए क्या फाइंड आउट करना है भाई, ए आप सॉल्व कर सकते हैं, देखो बी बराबर यू प्लस ए टी। क्लियर है, बी का मान कितना है 180, और यू कितना है आपका 0, ए आपको निकालना है, टी कितना है 0.05, लेकिन घंटे में, ये मीटर प्रति सेकंड, तो घंटे को सेकंड में नहीं बदलना पड़ेगा क्या हम, अरे ये मीटर प्रति सेकंड में है, समय किस में है सेकंड में, चाल में, तो समय किस में लेना पड़ेगा आपको सेकंड में, क्योंकि एमकेएस पद्धति भी क्या कहती है सेकंड। क्लियर है भाई, तो घंटे को मिनट में चेंज करने के लिए 60 से मल्टीप्लाई करते हैं, और मिनट को सेकंड में चेंज करने के लिए फिर 60 से, अब ये सेकंड में कन्वर्ट हो गया। क्लियर है, तो आप इसे सॉल्व कर सकते हैं, देखो पॉइंट हटाएंगे 2 0 आ जाएंगे, और इन 2 0 से ये 2 0 कट जाएंगे भाई, बचा क्या 6 * 3 = 18, और ये कितना बचेगा भाई 30, और 6 * 5 = 30, और 5 से ये भी कट गया, तो क्या है आपके पास, ए बराबर 1 m/s
सेकेंड स्क्वायर, यानी कि इसकी जो एक्सेलरेशन होगा वो कितना होगा, केवल 1 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। क्लियर है? अगला न्यूमेरिकल पढ़े जरा ध्यान से, बहुत ध्यान से पढ़ना भाई। एक वस्तु ब्राह्म अवस्था से चलना प्रारंभ करती है, यानी कि u बराबर फिर कितना है उसका, 0। u बराबर कितना है, 0। तथा देखो लास्ट में ये तथा एंड लिखा है, 5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के एक समान त्वरण से, एक समान का मतलब है वृद्धि हो रही है, तो 5 त्वरण कितना है, 5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के त्वरण से चलती है। क्लियर है? कितने देर के बाद वस्तु का वेग 50 मीटर प्रति सेकंड, कितनी देर मतलब समय, कितने समय में 50 मीटर प्रति, यानी कि b कितना हो जाएगा, 50 मीटर प्रति सेकंड। क्या निकाल नहीं सकते समय आप, आपके पास सारी चीजें तो हैं, पिछले में आपको त्वरण दिया होता, त्वरण निकालना होता था, समय दिया होता था, अब आपको समय दिया, समय निकालना है, त्वरण दिया है, तो आप इतना सॉल्व करें पहले, सही है? पहला सेंटेंस सॉल्व करो जरा, b बराबर u प्लस at। क्लियर है? b का मान आपके पास 50, u का मान 0, a का मान 5 और t आप निकाल सकते हैं, 5 × 50 यानी कि 10 सेकंड। कितने सेकंड के बाद इतना हो जाएगा भाई, 50 मीटर प्रति सेकंड 10 सेकंड के बाद। तो पहला आंसर आ गया हमारा, पूछा है ना कितना हो जाएगा, वह इतने समय में यानी कि 10 सेकंड में कितनी दूरी तय करेगा, यानी कि हमसे और क्या पूछा है, उसकी डिस्टेंस। और मैंने कहा था अगर समय दिया हो तो डिस्टेंस निकालने के लिए दूसरी इक्वेशन का प्रयोग करते हैं, क्योंकि तीसरी में तो समय है ही नहीं। बी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर बराबर 2as + 2as, यही तो होता है, तो टी है ही नहीं, तो हम कौन सी इक्वेशन का प्रयोग करेंगे, सेकंड, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यही तो होता है भाई। और एस बराबर, ये तो जीरो हो गया, देखो टी ऐसे ही आ जाएगा, प्लस हाफ, ए का मान कितना है हमारे पास, 5, अरे कितना है भाई, 5, और टी कितना है हमारे पास, टी आया 10, यानी कि 10 का वर्ग है, तो दो बार लिख दिया, आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। देखो सॉल्व करने के लिए ये कितना हो गया, देखो है तो सब कुछ सही, तो देखेंगे, देखो इससे इसे 5 गया भाई, तो एस बराबर 5×25 250, यानी कि 250 मीटर, कितना चलेगा ये, 250 मीटर। क्लियर है भाई? तो आप इस बात को ध्यान रखना, कितना चलेगा ये, 250 मीटर, 5×25, तो ये वाला न्यूमेरिकल हो गया 7। नंबर 8 देखो जरा ध्यान से पढ़ना, अरे समझ में तो आ रहा है, कमेंट करके जरूर बताना भाई कि अगर कोई डाउट हो आपको किसी भी प्रकार का, तो हम फिर सॉल्व करेंगे इन चीजों को। अगला पढ़े जरा ध्यान से, एक वस्तु ब्राह्म अवस्था से, यानी कि u बराबर फिर कितना है, u बराबर कितना है, 0, 8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के एक समान त्वरण से चलती है, a बराबर कितना है, 8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। और आप वीडियो रोककर पहले खुद सॉल्व करने की कोशिश किया करना भाई, वस्तु 160 मीटर प्रति सेकंड का वेग कितने समय में प्राप्त करेगी, यानी कि b 160 मीटर प्रति सेकंड कितनी देर में होगा, t पूछा है आपसे, क्या पूछा है, t, तो क्या t नहीं निकाल सकते, अभी तो हम पढ़ी रहे थे भाई कि b बराबर u प्लस at, b का मान कितना है, 160 मीटर प्रति सेकंड, एज इक्वल टू यू 0 है, और a का मान है 8×t, तो 8×2=16, यानी कि कितने समय के बाद, 20 सेकंड के बाद। अब ये पूछ रहे हैं इतने समय में वह कितनी दूरी, यानी कि स्पीड इन्होंने हमसे डिस्टेंस भी पूछ ली, तो दूसरी इक्वेशन लगा देंगे, s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर, s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर। तो देखें, देखो u 0 है, अरे u 0 है, प्लस हाफ, a का मान कितना है हमारे पास, 8, और t कितना है, 20, इंटू इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो देखो 2 से ये जाएगा 4, 4×8×16 और 2×0, यानी कि 16 और 2×0 इतने मीटर, तो कितना होगा, 1600 मीटर।
या फिर 1.6 किलोमीटर। वैसे किलोमीटर में देगा नहीं भाई, 1000 से डिवाइड करके किलोमीटर बन जाता है। तो इतना समझ में आया। अगला न्यूमेरिकल पढ़े जाना ध्यान से। अगला न्यूमेरिकल क्या कह रहा कि एक वस्तु का प्रारंभिक वेग, इसमें इनिशियल वेलोसिटी दे दी इन्होंने, सही है। सॉल्व करने देखो, इसमें इन्होंने इनिशियल वेलोसिटी दे दी भाई, कितनी है यू, यू है आपका 6 मीटर प्रति सेकंड, सही है। त्वरण 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ए कितना है 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, क्लियर है भाई। इसके बाद ये क्या कह रहे हैं, कितने समय के बाद इसका वेग 20 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा, यानी कि बी कितना दिया है आपको 20 मीटर प्रति सेकंड। अब फिर इन्होंने समय पूछ लिया, कितने समय के बाद, तो टी निकाल सकते हैं भैया, तो बी बराबर यू प्लस एटी। तो देखो बी का मान कितना है आपके पास 20, यू का मान कितना है 6, यू का मान कितना है 6, और ए कितना है भाई आपके पास 2 मीटर प्रति सेकंड इनटू टी। क्या आप इसे सॉल्व नहीं कर सकते, ये इधर जाएगा भाई, तो 20 में से 6 गए 14, और 14 को 2 से डिवाइड करना है आपको 7, तो टी बराबर 7 सेकंड, कितने सेकंड है 7। और इसके बाद क्या कह रहे हैं ये, इतने समय में, कितने समय के बाद, तो समय आ गया 7 सेकंड के बाद, तो इतने समय में वह कितनी दूरी चलेगा, तो क्या दूरी नहीं निकाल सकते, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, क्लियर है भाई। तो ये तो आपके जीरो नहीं होगा भाई, देखो वैल्यू दे रखी है, सॉल्व करना जरा इसे, एस बराबर यू का मान कितना है 6, और टी कितना है आपका निकल कर 7 प्लस हाफ, ए का मान कितना है 2, सही है, का मान 2 है, इसके बाद टी का मान कितना है आपका 7 इंटू 7, 7 का स्क्वायर टी का स्क्वायर। तो सॉल्व करना भी, देखो 2 से तो 2 कैंसिल, 6 सत्ते 42 और 7 सत्ते 49, तो 40 80 90 91 मीटर, 91 मीटर की ये डिस्टेंस होगी जो इसने तय की होगी, क्लियर है भी। बहुत बेसिक न्यूमेरिकल है, एक बार प्रैक्टिस करना आप। अगला देखने जरा, नवा हो गया हमारा, दसवां देखो जरा, एक पिंड है 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के त्वरण से, ये हमें एक्सेलरेशन दे दिया इसने, क्या दे दिया भाई एक्सेलरेशन दे दिया, कितना दिया है 4.0 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर ए दिया है, क्लियर है इसने ये दिया। इसके बाद ये कह रहे हैं सीधी रेखा में ब्राह्म अवस्था से चलना प्रारंभ करता, यानी कि यू कितना है 0, चलना प्रारंभ करता है तो 4 सेकंड के बाद पिंड का वेग कितना होगा, पी कितना दे दिया भाई आपको 4 सेकंड, और बी आपसे इन्होंने पूछ लिया, तो क्या आप सॉल्व नहीं कर सकते, बी बराबर यू प्लस ए टी, तो बी का मान आपके पास है नहीं है, निकालना है हमें, यू का मान आपके पास है, ए का मान आपके पास है 4, टी का मान आपके पास है 4, तो कितना हो गया 16 मीटर प्रति सेकंड, यानी कि 4 सेकंड में उसे कितना वेग मिल जाएगा 4 × 4 = 16 मीटर प्रति सेकंड, क्लियर है भाई। अगला देखते हैं, देखो जरा ध्यान से करो सॉल्व, ये हो गया 11वां 12वां, देखो ब्राह्म अवस्था से आरंभ करके कोई व्यक्ति 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के एक समान त्वरण से चलता है, यानी कि आपको यू दे दिया 0 और आपको ए दे दिया 2 मीटर प्रति सेकंड, यू 0 ए बराबर 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, क्लियर है भाई। इसके बाद ज्ञात कीजिए कि 40 मीटर प्रति सेकंड का वेग वस्तु कितने समय में ग्रहण करेगी, यानी कि बी 40 मीटर प्रति सेकंड, बी 40 मीटर प्रति सेकंड का वेग कितने समय में ग्रहण करेगी, तो फिर फर्स्ट इक्वेशन लगा दो आप, बी बराबर यू प्लस एटी, तो बी हमारे पास है 40, क्लियर है भाई, यू हमारे पास 0 है, ए का मान हमारे पास 2 है, क्या टी नहीं निकाल सकते 20, तो टी बराबर 20 सेकंड,
क्लियर है। आगे देखो ये क्या कह रहे हैं, इन्होंने कहा तो इतने समय में वह कितनी दूरी तय करेगा, तो डिस्टेंस हम निकाल सकते हैं, यानी कि s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ, s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इसकी सबकी वैल्यू रख दो, u हमारे पास जीरो है देखो, तो ये तो पूरा जीरो, इसे सॉल्व कर लो, s बराबर हाफ, a कितना है हमारे पास, a है हमारे पास दो, कितना है भाई दो, और उसके बाद देखेंगे देखो t कितना है हमारे पास, अभी 20 सेकंड निकला, यानी कि 20 × 20, अरे स्क्वायर है तो देखो ये कट गया भाई, तो s बराबर 2 × 4 और 2 × 0, यानी कि 400 मीटर चलना पड़ेगा उसे, या चला होगा वो, सही है। और लास्ट न्यूमेरिकल बचा देखो, आप देख सकते हैं इसे, एक गाड़ी 20.0 यानी 2.0 है, 200 नहीं है भाई, 20.0 मीटर प्रति सेकंड के प्रारंभिक वेग से तथा एक समान मंदन से, मंदन यानी कि डिक्रीज हो रहा होगा, 5 सेकंड तक चलकर ब्राह्म अवस्था में आ जाती है, सही है। तो आपको यू दे दिया, आपको समय दे दिया, और यह भी बता दिया कि एक इसमें होगा माइनस में, तो कर सकते हैं अभी सॉल्व, सही है। तो एक गाड़ी 200 मीटर प्रति सेकंड के प्रारंभिक वेग से, ए कितना है दो, सॉरी 20 है, 20 मीटर प्रति सेकंड के प्रारंभिक वेग से एक समान मंदन से कितना, 5 सेकंड, यानी कि टी कितना होगा 5 सेकंड होगा, चलकर ब्राह्म अवस्था में आ जाती है, यानी कि बी कितना है 0, और आप जानते हैं जब बाद में ब्रेक लगते हैं अभी तो मंदन ही होता है, तो यहां से क्या नहीं निकाल सकते आप, बी बराबर U प्लस ए टी, तो B का मान तो आपको 0 मिल गया, U का मान कितना है, अरे U का मान कितना है भाई, अरे ये U था भाई, एक गाड़ी इतने मीटर प्रारंभिक वेग से, ये U है, B प्लस A इंटू टी कितना है 5 सेकंड, तो देखेंगे देखो 20 बराबर का चिन्ह पार कराएंगे, माइनस में चला जाएगा, A इंटू 5 और 5 से ये गया, यानी कि माइनस के 4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, 4, और माइनस का चिन्ह क्या दिखा रहा है कि समय के साथ वेग घट रहा है, यानी कि मंदन हो रहा है। और क्या पूछ रहे हैं, आ जाता है यानी कि इतना मंदन होगा, तो वस्तु द्वारा इन 5 सेकंड में चली गई दूरी, अब 5 सेकंड में चली गई दूरी आप निकाल सकते हैं अभी बहुत आसानी से, कितनी दूरी होगी, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो हमें u का मान दे रखा है देखो, s बराबर u का मान कितना है 20 और t का मान कितना है 5 और प्लस हाफ, a का मान कितना निकला भाई माइनस के 4 और t का मान 5, कितना है 5, क्लियर है। अब आप सॉल्व कर दे देखो, 20 × 5 = 100 माइनस ये 2 बचा, अरे माइनस का 2 बचा, 5 × 5 = 25 5 × 5 = 50 तो 50 घटा दो 50 मीटर, यानी कि कितनी दूरी कर तय करेगा 50 मीटर। तो ये सवाल हम सॉल्व कर चुके हैं भाई, और आप कमेंट करके ये जरूर बताना कि ये वीडियो आपको कैसी लगी, थोड़े से इजी न्यूमेरिकल थे, अगले वाले में टफ करेंगे हम, और आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों को इसे शेयर करें, कमेंट करके ज़रूर बताएं, अगर आपका कोई सजेशन है तो वो भी हमें भेजें, और पहली बार हमारे चैनल पर वीडियो देख रहे हैं अगर आप, और आपको पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इसी तरह की वीडियो आपको मिलती रहे, और हमारा नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए राइट साइड में बेल आइकन बटन को प्रेस करें और ऑल के बटन पर क्लिक करें ताकि हमारा नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुँचे आपके पास। धन्यवाद देखने के लिए।